हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी जो परिपथ यानी इसका जो सर्किट डायग्राम कैसा होता है, और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है यानी कार्य प्रणाली उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ इसकी जो वेव साइज है यानी इनपुट तथा आउटपुट जो वेव स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ेंगे। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो एक ऐसा परिपथ होता है जो एसी इनपुट जो वेव होती है उसके दोनों साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यूनिडायरेक्शनल यानी डीसी आउटपुट देता है। यानी फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा परिपथ होता है जो एसी इनपुट के दोनों अर्धचक्रों में यानी दोनों अर्धचक्रों के लिए डीसी आउटपुट प्राप्त होती है। जो फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ होता है उसका अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ है उसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसको इसलिए बोला जाता है कि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जैसे यहाँ पे परिपथ में दिख रहा है, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें दो टर्मिनल के अलावा एक तीसरा टर्मिनल जो क्वाइल के मध्य लिया जाता है, इसीलिए इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। क्योंकि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज होता है और जो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के क्वाइल के मध्य से जो तीसरा तार निकालते हैं, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर है इसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें और जिसे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में जानते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का जो S1 सिरा होता है वो डायोड के एनोड से, उसी तरह जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का जो S2 सिरा होता है वो डायोड D2 के एनोड से संयोजित होता है, तथा दोनों डायोड का जो कैथोड टर्मिनल होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, तथा जो दोनों डायोड के कैथोड का जो कॉमन टर्मिनल होता है वो लोड टर्मिनल, जो डायोड में लोड रेजिस्टेंस होता है उस लोड रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस दोनों डायोड के कैथोड के कॉमन टर्मिनल से, तथा कैथोड का जो लोड का दूसरा टर्मिनल है वो सेंटर टेप के तीसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ये सेंटर फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम की बात हो गई। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको दो भागों में बांट दिया गया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। एक बार पढ़ेंगे, जब एसी इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल फुल वेव रेक्टिफायर पर दिया जाता है तब क्या होता है, और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल देने पर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखेंगे क्या होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब प्राइमरी वाइंडिंग पे एसी इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया जाता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यह सेकेंडरी वाइंडिंग पे चला जाता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो S1 टर्मिनल है वो पॉजिटिव तथा जो S2 टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाता है। इस कारण जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि डायोड D1 का पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड पॉजिटिव से तथा कैथोड निगेटिव से जुड़े होने के कारण जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है, यानी क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट, इसमें चूंकि डायोड D2 का एनोड टर्मिनल निगेटिव से तथा कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़े होने के कारण जो ये डायोड D2 है वो रिवर्स बायस हो जाता है। इस तरह से फॉरवर्ड बायस यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में फुल वेव रेक्टिफायर में जब डायोड D1 है फॉरवर्ड बायस में तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाता है, जिससे डायोड D1 क्लोज परिपथ की तरह तथा डायोड DT ओपन परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो S1 RF D1 से होते हुए A1 RL तथा O तथा S1 में प्रवाहित होती है। इस तरह से एक क्लोज परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसमें अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करें तो जो धारा प्रवाहित होती है वो लोड रेजिस्टेंस में ए से ओ टर्मिनल की तरफ होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी जब एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उस समय परिपथ में क्या होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल
जब फुल वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, उस समय जो S1 टर्मिनल होता है वो S2 टर्मिनल की सापेक्ष नेगेटिव हो जाता है तथा S2 टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस यानी डायोड D1 का जो टर्मिनल एनोड टर्मिनल है नेगेटिव से तथा डायोड D1 का जो कैथोड टर्मिनल है पॉजिटिव से जुड़े होने के कारण रिवर्स बायस होता है तथा डायोड D2 का एनोड पॉजिटिव से तथा डायोड D2 का कैथोड नेगेटिव से जुड़े होने के कारण डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इस तरह से डायोड D1 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तथा D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाने के कारण एक क्लोज परिपथ बनता है जो S2 RF D2 A RL O तथा S2 में करंट प्रवाहित होती है तथा AC इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट की दिशा A से O की तरफ होती है। अतः पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों चक्रों में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट की दिशा A से O की ओर होती है यानी एक ही दिशा में होता है। अतः दोनों हाफ साइकिल में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो यूनिडायरेक्शनल यानी DC आउटपुट प्राप्त होता है। अगर इसके वेव शेप की बात करें तो ये इनपुट का साइन वेव इनपुट सिग्नल को प्रदर्शित किया गया है जो साइन वेव के रूप में है। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 0 से लेके π तक एक हाफ साइकिल और π से 2π तक एक हाफ साइकिल है और 0 से 2π तक एक पूरा एक साइकिल दो हाफ साइकिल मिलाकर एक साइकिल बनी है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है उस समय डायोड D1 फॉरवर्ड बायस तथा D2 रिवर्स बायस होने के D2 चूँकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस तथा D2 रिवर्स बायस होता है जिससे 0 से π AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट इनपुट का अनुसरण करता है। नेक्स्ट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है उस समय जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस तथा D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है जिसके कारण नेगेटिव हाफ साइकिल में DC आउटपुट प्राप्त होती है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे दोहराई जाती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस D2 रिवर्स बायस उसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में जो D1 है रिवर्स बायस तथा D2 फॉरवर्ड बायस होने के कारण यह प्रक्रिया लगातार चलती है और इस तरह का वेव शेप प्राप्त होता है। चूँकि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट प्राप्त होता है वो भी शुद्ध DC नहीं होता है, इसमें भी AC इनपुट का कुछ भाग पाया जाता है जिसे रिपल कहते हैं। इस रिपल को दूर करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है जिससे DC में जो AC उर्मिकाएँ हैं उनको ख़त्म किया जाता है और शुद्ध DC प्राप्त होती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।